विदिशा के रावण गांव में रावण की पूजा होती है, ऐसा सुनकर अचंभित हुए संत प्रेम। सारे महात्मा वहां जो ब्राह्मण है रावण की पूजा कर रहे हैं दोनों समय। आप इतनी बात समझ लो कि अगर रावण भगवान के विरुद्ध लीला कर रहा है, रावण कोई साधारण आदमी का नाम नहीं है, भगवान का जय विजय पार्षद है वो, भगवान ही जय विजय स्वरूप में है, वो कोई साधारण नहीं। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया भगवान की बहुत कोमल भुजाओं को ऐसे कि ये महान बलशाली भुजाएं हैं, तो भगवान ने कहा दिखाने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो अपने निर्विकार महान पुरुषों को आकर्षण किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, और जय विजय को प्रेरित किया और रोक दिए। दोनों में भगवान है, क्योंकि वो तो दिव्य स्वरूप को प्राप्त सनक सनंदन, उनको क्रोध कैसे आ सकता है, और ये जानते हैं कि इतने बड़े महापुरुष थे, इनको रोकने की जरूरत क्या थी। इसमें मम इच्छा का दीन दयाल की लीला थी। अब वही साफ हो गया कि जाओ तीन जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो, तो जय विजय रावण कुंभकर्ण बने और सिया जी का अपहरण किया और राम जी की भुजाओं का बल दिखवाया। अगर कोई रावण की वहां पूजा करता है तो हमारे भगवान क्यों पार्षद हैं, पर उन्होंने लीला की दैत्य भाव की, इसलिए हमारे भारत देश में रामचरित्र की पूजा होती है। रावण उत्तम कुल पुलस्थ करना थी वैसे ही, तो अगर वो हम उसकी निंदा नहीं करते, जब हम रामायण की आरती करते हैं तो उसमें रावण का भी जन्म कर्म लिखा हुआ।